स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे पावर जनरेटर के बारे में। हमने काफ़ी सारे मोटर के बारे में देखा है, तो अब थोड़ा जनरेटर पर ध्यान देते हैं। तो हिसाब ये समझिए, जनरेटर का जो ज़रूरत है ये सबको पता है, हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरत अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। यानी कि कुछ कुछ जनरेटर होते हैं जो 24x7 चलते हैं, यानी कि उनको चालू कर दिया जाएगा और 10 साल बाद मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाएगा। ऐसे कई सारे जनरेटर हैं। फिर कुछ जनरेटर होते हैं जो अडाप्टेबल हो, जैसे कि हाइड्रो डैम में लगाया जाए, क्योंकि पानी का लेवल कम बेसी होता रहता है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना रहता है कि भैया एकदम कांस्टेंट नहीं चलता रहता है, मतलब आउटपुट लेवल पे कहिए, फ्लो वाटर फ्लो रेट पे देखिए, आरपीएम में देखिए, तो वो सब चेंज होता है। फिर कुछ कुछ होता है जो स्मॉल होता है और उसको पावरफुल होना रहता है, क्योंकि इमरजेंसी में थोड़ी देर के लिए आप इसको इस्तेमाल करोगे। और कुछ होता है भैया सस्ते में बनाना होता है, क्योंकि कोई फायदा नहीं, जैसे सब लोग मुंह खोल के बोलते हैं हमको बेस्ट हो तो बेस्ट हो, बजट आने के बाद सब लोग भाग जाते हैं, वही इसमें भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कंपनी नहीं बना सकती, लेकिन बात है कंपनी बोलेगी ये हमारा जनरेटर है बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन इसका दाम इतना है कि कोई खरीद ही नहीं पा रहा, ऑब्वियसली वो नहीं चलने वाला। तो ये बहुत सारी चीज को बैलेंस करना होता है, इंजीनियरिंग यही है, सबको बैलेंस करो। तो अब बात करते हैं लॉजिक क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे इस समय। तो सबसे पहला एक सिंपल स्टार्ट होता है जो प्रोफेशनल लेवल पे समझिए, जिसमें हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड चलती है, जिसे कहते हैं सिंक्रनस। तो सिंक्रनस का मतलब ये होता है कि जो आपका आरपीएम है वो एक तौर से कहिए लॉक हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ, और मतलब मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो आपका रोटेट कर रहा है फील्ड में, आपका जो रोटर है वो एग्जैक्टली अलाइन हो जाए उससे, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंक में चल रहा है, यानी वो सिंक्रनस है। और जनरेटर केस में ये होगा कि जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट हो रहा है वो परफेक्टली मैच कर रहा है जहाँ उसका मैग्नेटिक पोल्स के हिसाब से मैच कर जाए, मतलब बेसिकली स्लिप एकदम कम है। इंडक्शन मोटर में जैसे आप देखते होंगे स्लिप ज़्यादा होता है, और इंडक्शन मोटर पर अगर आप लोड बढ़ा देते हैं किसी कारण से, मतलब पानी का पंप है और बहुत नीचे से बेचारा पानी खींचना पड़ रहा है, तो उसका आरपीएम घटते चला जाता है। सिंक्रनस में वो नहीं होगा, सिंक्रनस में होगा या तो वो बंद हो जाएगा या तो जल जाएगा, वो ये नहीं होने देगा आपको, कि उसका जो मतलब आरपीएम पे चलना चाहिए वो फिक्स रहेगा, सिंक्रनस वही समझिए। और सिंक्रनस जनरेटर का ये फायदा होता है कंट्रोल बहुत अच्छा देता है, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े जनरेटर जनरली सिंक्रनस ही रहते हैं, और बहुत सारे जनरेटर ये किया जाता है ग्रिड से जोड़े जाते हैं, तो वो उस केस में एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे समझिए आप भारत की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का बात करते हैं, तो वो उसमें जितने पावर प्लांट हैं, जितना डीजल पावर प्लांट हो जाए, जितना आपका स्टीम पावर प्लांट हो जाए, जितना आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाए, जितना आपका हाइड्रो डैम, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, परफेक्टली सिंक नहीं रहा तो सब एक दूसरे को उड़ा डालेगा, तो इसीलिए ये सिंक्रनस वहां पे इस्तेमाल होता है। फिर होता है ए सिंक्रनस, ये काम जरूर करता है लेकिन थोड़ा लुचपुच होता है, थोड़ा सा जैसे होता है इंडक्शन मोटर का आरपीएम चेंज हो सकता है, ये उसी टाइप का लुचपुच रहता है, कंट्रोल काफी रहता है, लेकिन बजट में काफी सपोर्ट करता है, तो काफी लोग इसको यूज करना है। और फिर दो कोर टाइप आपको मिलने वाला है, कि पहला होगा ब्रश्ड है, दूसरा होगा ब्रशलेस, जैसे आपका मोटर में होता है वैसे ब्रश और ब्रशलेस आ जाता है। फिर एक कॉमन बात आएगा रोटेटिंग आर्मेचर और फील्ड, तो जनरली ये ऐसा चीज है जिसपे रिसर्च करने में दिमाग खराब होगा, क्योंकि हर जगह आप लिखिए कि रोटेटिंग आर्मेचर जनरली इंफीरियर माना जाता है, लेकिन सस्ते जनरेटर में वही मिलने वाला है, और ये हमको अभी तक कोई नहीं समझा कि क्यों उसको बनाते हैं, क्योंकि जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मुझे मिल रहा है, क्योंकि हर जगह लोग फील्ड फील्ड ये समझिए मैग्नेट जो है मैग्नेट घूम रहा है कि आपका जनरेटर घूम रहा है, जनरेटर यानी आर्मेचर, तो आर्मेचर से बिजली निकालना बेनिफिशियल रहता है, लेकिन सस्ते जनरेटर यानी कहीं 1-2 किलोवाट का जो हरा नीला कलर का जनरेटर आप देखते हो, उस समय जनरली आप ब्रश देखते हैं, कॉन्टैक्ट ब्रश देखते हैं, और अगर 3 फेज का है और उसमें आप देख रहे हैं 4 कॉन्टैक्ट ब्रश है, तो यानी उसमें सीधा सीधा ये इस्तेमाल किया जा रहा है आपका रोटेटिंग फील्ड, ये रोटेटिंग एमेचर इस्तेमाल कर, मतलब आप कोर से ही आप बिजली निकाल रहे हो, रोटर से आप बिजली निकाल रहे हैं, हाँ बस ऐसे समझिए, रोटर से बिजली निकाल रहे हैं कि सेटर से बिजली निकाल रहे हैं, तो सेटर से बिजली निकालना ज़्यादा आसान रहता है, लेकिन वो नहीं बनता मिलता है कम दाम में, तो मुझे हमको वही लगा कि उसका मैनुफैक्चरिंग के कारण कम बजट में आपको देखने को मिल जाता है। और फिर बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हो सकते हैं जो मोटर और जनरेटर कॉम्बो हो, यानी कि एग्जाम्पल दें कि कुछ साल पहले F1 में टर्बो चार्जर को वापस लाया गया, अब बात है टर्बो चार्जर को ये लोग एनर्जी रिकवरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस जो निकल रहा है वो उसी टाइम आपको शायद टर्बो में नहीं चाहिए, आप मान लीजिए टर्न में जा रहे हो और आपका एग्जॉस्ट में बहुत ज़्यादा पावर है, आप नहीं चाह रहे हो कि मेरा बूस्ट बहुत बढ़ जाए, तो आप उससे एक काम करोगे, ये जो मोटर है यूनिट है उसे जनरेटर के तेज लगाओगे बिजली निकाल लोगे, और जब आपको है कि भैया बूस्ट चाहिए तो इस मोटर को ये मतलब जनरेटर को मोटर का तरह बिहेव कराएंगे और आरपीएम बढ़ा लेंगे, ये समझिए मोटर और जनरेटर दोनों करता है। और कई सारे जैसे अभी देखिए सुजुकी के कुछ सेमी हाइब्रिड गाड़ी है, उसमें अल्टरनेटर और स्टार्टर दो अलग अलग नहीं है, एक ही बड़ा मोटर है जो दोनों कर लेता है। अभी मेरे पापा ने एक स्कूटी ली थी, उसमें भी वही है कि मतलब अलग से स्टार्टर और अल्टरनेटर नहीं है, यानी मोटर और जनरेटर एक ही जगह पहुंच दिया गया है, और ये काफी जगह पे होने लगा है कि दोनों एक ही से कर लो, एक ही इक्विपमेंट से सारा काम हो जाएगा, तो वो भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है।
तो यहाँ पे एक चीज़ जरूर समझिए, जब भी आप मोटर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा बोला जाएगा आपको, प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर होता क्या है? प्राइम मूवर वही होता है कि जो घुमा रहा है। आप कैसे घुमाते हो वो आप पे है। आप पानी से घुमा रहे हो, आप विंड से घुमा रहे हो, आप डीजल जनरेटर से घुमा रहे हो, आप पेट्रोल जनरेटर से घुमा रहे हो, आप साइकिल से घुमा रहे हो, वो आप पे है। उसे इंजीनियरिंग टर्म में कहा जाएगा प्राइम मूवर। दूसरा बात यह होता है कि आपकी आरपीएम और स्टेबिलिटी कैसी है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन जनरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप हाइड्रो पावर प्लांट में बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अलग रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन आप विंड टरबाइन के बारे में बात कर रहे हैं और अलग चाहिए। और उसी के कारण से ये होता है कि हर जनरेटर हर चीज़ को नहीं सूट करता है। आप कई बात सही ना कि अगर एक जनरेटर बेस्ट है तो हर कोई उसी को क्यों नहीं यूज़ करता, कारण वही है। अलग कुछ जनरेटर है ये अति बम जनरेटर 98% से ज़्यादा इफिशियंट है, 99% तक जा सकता है इफिशियंसी, लेकिन हर जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि अगर आप उसका आरपीएम चेंज करेंगे वो बोले बात हम नहीं कम करेंगे। तो वहीं पे आपको कुछ जगह पे हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल लें आपका विंड टर्बाइन में, इसमें डबली फेड इंडक्शन जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि इसका आरपीएम चेंज होता रहता है और विंड तो आपके कहने पे चलेगा नहीं। तो इसी कारण से इनको ऐसा सिस्टम चाहिए जो मतलब कम आरपीएम कम बेसी हो लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यों का त्यों रहे, फेज सिंक बना रहे, तो इनको थोड़ा तिकड़म करना पड़ जाता है। हाइड्रो में अलग अलग केसेस में हो सकता है कि मोटर का टॉर्क जो है यानी रोटर पर जो टॉर्क लगाया जा रहा है वो बदल सकता है, तो उसको कैसे आप लोड करते हैं, कैसे ओवरलोडिंग से बचाते हैं, कैसे स्टेबिलिटी रखते हैं, वो सब देखना पड़ता है। तो आरपीएम और स्टेबिलिटी आप पे डिसाइड करेगा कि आप कौन सा मतलब समझिए जनरेटर टाइप सेलेक्ट करते हैं। और फिर ये समझिए कि आरपीएम के बारे में एक बार कई बार आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने मिला है, क्योंकि देखिए अगर काफ़ी लोगों का मैं देखता हूँ वीडियो में कि उनको इंडक्शन मोटर लेते हैं और उसमें मैग्नेट खोजते हैं, ज़रूरत नहीं है, इंडक्शन मोटर जनरेटर ही होता है। आधा से ज़्यादा जो मोटर है वो जनरेटर के तौर पर बिहेव करेगा और इंडक्शन मोटर को जनरेटर के तौर पर बेचा जाता है। मतलब आराम से बहुत सारे हाइड्रो टर्म देखें लग रहा है कि अरे भैया ये इंडक्शन मोटर जैसा है वही है, आपको उसको स्टार्ट करने के लिए बस कैपेसिटर डालना होता है और उसका आरपीएम जो है उससे ज़्यादा रखना होगा, यानी कि अगर उसमें लिखा गया है 1500 आरपीएम तो 1550 आरपीएम पे वो जनरेटर जैसा बिहेव करेगा, यानी उसे पॉजिटिव स्लिप में डालना होगा। जनरली नेगेटिव स्लिप में चलता है, आप पॉजिटिव कर दीजिए वो जनरेटर बन जाएगा। तो ऐसे ही हाइड्रो में इसीलिए इसको काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप मान लीजिए कोई जनरेटर से चलाना चाह रहे हैं, पुली और बेल्ट का इस्तेमाल किए, पुली थोड़ा सा बड़ा करिए ताकि आरपीएम बढ़ जाए, आपका इंडक्शन मोटर जनरेटर बन जाएगा। नीचे मैंने वीडियो दे दिया डिटेल में, देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को डायरेक्ट जोड़ना है और आरपीएम का दिक्कत हो रहा है, तो ये बात जरूर समझिए कि आपका पोल जो भी जनरेटर है या मोटर है जिसमें जितना पोल बढ़ाते जाएंगे आरपीएम उतना घटते चला जाएगा। तो एग्जांपल देते हैं, जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज चलता है, दो पोल वाला सिस्टम है, 3000 उसको चाहिए आरपीएम। वही अगर यूएस में आप रहते हैं 60 हर्ट्ज चाहिए तो 3600 आरपीएम चाहिए इसको। और वही 400 हर्ट्ज चाहिए, भले 400 हर्ट्ज किसको चाहिए, एरोप्लेन में सारे इक्विपमेंट 400 हर्ट्ज पर चलते हैं तो उसको 24000 आरपीएम चाहिए। अब आप बात करते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं, 3000 आरपीएम वाले मोटर आपको जनरली नहीं मिलने वाले मार्केट में, कुछ कुछ केसेस में यूज़ होता है लेकिन ज़्यादा नहीं यूज़ होता है। फिर आपको ये चार पोल पे आता है, चार पोल में 1500 तक चला जाता है। रुके रुके, थोड़ा सा डिम हो गया था। चार में ये 1500 आरपीएम हो जाएगा 50 हर्ट्ज पे, छः पे 1000 आरपीएम हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप इंडक्शन मोटर को जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका जो जनरेटर यूनिट है वो 1500 ये मतलब 1000 से ऊपर ही चलता है लेकिन 1500 नहीं जाता, आप 6 पोल का मोटर लीजिए, उसमें कैपेसिटर लगाइए, आराम से वो काम करने लग जाएगा। वैसे समझिए आपका जैसे जैसे आप पोल बढ़ाते जाएंगे आरपीएम घटते जाएगा। जैसे सबसे 40 पोल का जो कि मतलब हाइड्रो डैम में कई कई बार इस्तेमाल होता है, वो 150 आरपीएम पे बम बम बिजली बना सकता है और 60 हर्ट्ज की ग्रिड के लिए उसे 180 बार घूमना पड़ेगा और 400 एरोप्लेन वाले के लिए 1200 बार घूमना पड़ेगा। एरोप्लेन में इतना हाई इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे ट्रांसफार्मर और मोटर का साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो ये हुआ प्राइम मूवर, इसी के बेसिस पे आपका सारा चीज़ सेलेक्ट होता है। सीधे जनरेटर आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, आपको समझना पड़ेगा आपका प्राइम मूवर क्या कर रहा है। प्राइम मूवर को समझ, जैसे आपको बोल रहा हूँ ना कि इंडक्शन मोटर से बना सकते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दिए कि आपका चीज़ का आरपीएम कितना है, रोते रह जाइएगा। वहीं जैसे मान लिया आपको बोलता है मेरे को साइकिल से चलाना है, तो आपको लोग कहेंगे कि भैया साइकिल से या तो खूब गियर डाउन करो या तो ऐसा 12 पोल वाला ले लो, या मतलब 12 पोल वाला बहुत मुश्किल से मिलेगा लेकिन 1000 आरपीएम वाला मोटर आपको मार्केट में मिल जाना चाहिए, वो 6 ही पोल का होता है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रशलेस का। तो ब्रशलेस में ये समझिए कि ये एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी यूज़ होता है। इंडक्शन मोटर एसिंक्रोनस नहीं है, ये एसिंक्रोनस के तौर पे बिहेव करता है, यानी कि वो थोड़ा स्लॉपी रहता है, तो सस्ते बजट में उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर सीरियस इक्विपमेंट है तो लोग कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे उसको। तो वहाँ पर जब आप ब्रशलेस लिखे, ब्रशलेस अल्टरनेटर जब लिखिएगा तो उसमें जनरली सिस्टम ये रहता है कि वो सेल्फ एक्साइटेड रहता है, यानी कि आपका पास एक यूनिट होता है जिसे आप समझिए ये एक्साइटर यूनिट है, इसमें आप डीसी बिजली डाल रहे हैं, बाहर में एक कॉइल है जिसमें आप डीसी बिजली डाल रहे हैं, वो आप बैटरी से डालिए या जब जनरेटर चालू हो जाए तो मेन उसी का आउटपुट से ही थोड़ा सा रेक्टिफायर से डेटा निकाल के डाल दीजिए। तो वो हुआ आपका सबसे पहला यूनिट, उसमें आप डीसी बिजली डाल रहे हैं। अब वो डीसी जाएगा इंडक्शन कॉइल में, मतलब जो रिसीवर है उसमें जाएगा, अब वो तो एसी में बदल जाएगा, बोले भाई डीसी मैंने डाला एसी कैसे हो गया, वो घूम रहा है ना। आप कोई भी रोड ये स्टेटर है, स्टेटर में तो नॉर्थ और साउथ पोल कहीं फिक्स होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा कैसे भी होगा वो तो फिक्स होगा ना,
लेकिन आप घूम रहे हैं तो ऐसे ही तो अल्टरनेटिव करंट बनता है, तो और घूमने से ही वो इंडक्शन ट्रांसफर होता है। तो घूमा, इंडक्शन ट्रांसफर हो गया, एनर्जी ए टू बी आ गई, चलो बम बम। अब आप बिना छुए एनर्जी ट्रांसफर कर दिए इंडक्टर, जैसे आपका वायरलेस चार्जिंग होता है, बल्ले बल्ले। लेकिन अब आपके पास एसी आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट को एसी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट को डीसी चाहिए। तब ये जब आप इंडक्शन कॉइल में आ जाता है एनर्जी, उसके बाद इसको एसी जो है रोटेशन के कारण हुआ, इसे डायोड में डाला जाता है। डायोड जैसे समझिए, ऑन शाफ्ट डायोड कहा जाता है, एक पूरा रोटेटिंग डायोड यूनिट कहा जाता है। वो यूनिट जो है एसी सिग्नल को लेता है, उसे डीसी में बदल देता है, और डिपेंड करता है किस तरह का बजटिंग है, किस तरह का क्वालिटी है। तो बहुत बड़ा बड़ा डायोड हो सकता है, ये भी हो सकता है डायोड के साथ थोड़ा सा कैपेसिटर हो जो थोड़ा स्मूथ भी कर दे, लेकिन जनरली जरूरत नहीं रहता है। और ये डायोड अब आपका मेन रोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे, अच्छा इतना तिगड़म क्यों करें, शांति से परमानेंट मैग्नेट क्यों नहीं डाल देते? डाल सकते हैं, और उसका फायदा भी होगा नुकसान भी होगा। फायदा, आपको ये सब इतना हूहा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्ले बल्ले। साइड इफेक्ट, आप एक कंट्रोल अथॉरिटी खो देते हैं, आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे अपने जनरेटर का आउटपुट को, उसका वोल्टेज को, उसका फ्रीक्वेंसी को। कंट्रोल अथॉरिटी आपकी कमजोर पड़ जाएगी। दूसरा, मैग्नेट जो है बहुत महंगा आता है, न्यूडिनियम मैग्नेट जो बम काम कर सके बहुत महंगा होता है। दूसरा, जनरेटर में अगर आप मैग्नेट लगा रहे हैं तो उसे हाई टेम्परेचर मैग्नेट होना चाहिए। न्यूडिनियम का मैग्नेट जनरली रेटिंग होता है 80 डिग्री सेल्सियस का, जनरेटर में जो लगाया जाएगा वो कोशिश किया जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस वाला मोटर है, ये रहे क्या बोलते हैं मैग्नेट रहे। वो मिलता है मार्केट में, लेकिन उसका दाम ट्रिपल होता है और पावर थोड़ा कम होता है। तो इसी कारण से मैग्नेट लोग नहीं इस्तेमाल करते, पहले तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, और अफोर्ड कर भी लेंगे तो भी एक दिक्कत होगा कि भैया वो हाई टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त करता। और उसके बाद भी मान लीजिए, जब वो सब भी सॉल्व कर लेते, एक दिक्कत होता है, समय जैसे जैसे बीतता है उसका पावर घटते चला जाता है, साल में 1% लॉस करता है। अब अगर आप बहुत महंगा इक्विपमेंट खरीद रहे हो तो वो 10-15 साल ही इस्तेमाल करेंगे, आप नहीं चाहोगे 10-15 साल बाद अरे भैया उसका 20-21% पावर खत्म हो गया है। तो इसीलिए जनरली लोग इतना तिगड़म करते हैं, ब्रशलेस बना लिए, मैग्नेट नहीं डाल देते। और ये ब्रशलेस जो है ऑलमोस्ट वही सिस्टम है जो मैग्नेटलेस मोटर है, मतलब मैग्नेटलेस मोटर का ही डिज़ाइन उन्होंने लिया और उसको मतलब तिगड़म कर दिया। ये पहले आया था, मैग्नेटलेस मोटर बाद में आया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे चीज़ मोटर जनरेटर सेम ही होता है। तो आपने यहाँ एक्साइट कर दिया, एक्साइट के बाद एसी आ गया, एसी को आपने डीसी में बदल दिया, डीसी को आपने मेन में डाल दिया। अब आपके पास एक मैग्नेट है, अब आप उसे प्राइम मूवर से यानी डीजल जनरेटर से घुमा रहे हैं। अब आपका एमेचर में यानी कि जो स्टेटर है उसमें कॉइल्स में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन काट रहा है, आपके पास बिजली नहीं कर। जनरली ये सब 3 फेज के सिस्टम के लिए किया जाता है, अब आप आराम से बिजली बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ज़रूर समझिए, कितना आरपीएम है। वो कोई भी डीजल जनरेटर एकदम परफेक्ट थोड़ा होता है कि लिखा है 1500 तो 1500 होगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर ये हो सकता है कि आपका लोडिंग कितना है। मान लीजिए जनरेटर 5 किलोवाट का पावर दे सका, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 5 किलोवाट उस पर पड़ा हो, हो सकता है 3 किलोवाट पड़ रहा हो, 4 किलोवाट पड़ रहा हो, या ना पड़ रहा हो। मतलब मान लीजिए सब चीज आप ऑफ कर रहे हैं, उस टाइम लाइन भागा था, बस सिर्फ बत्ती चल रहा है, आप एसी सब बंद कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो डीसी का एक्साइटमेंट हो रहा है, इसे आप फीड कर रहे हो ना, तो आप इसको कंट्रोल करोगे, यानी आप थ्रॉटल करके रहने लगोगे। तो ये थ्रॉटलिंग का फीडबैक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एवीआर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। तो मेन स्टेटर से जो बिजली निकलता है उसको मॉनिटर किया जाता है, और उसके बेसिस पे आपका डीसी कपलर को यानी जहां से आप डीसी डाल रहे हैं उसको मैनेज किया जाएगा कि देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, डीसी का एक्साइटमेंट ठंडा कर रहा है, लोड बढ़ने लगा, वोल्टेज सैक कर रहा है, बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो। ऑब्वियसली लिमिट ही रहता है, ऐसा नहीं होता कि 5 किलोवाट का सिस्टम है आप 5 मेगावाट का निकाल लीजिए, लेकिन ऐसे ही करके कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए परमानेंट मैग्नेट जनरली लोग नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि वो कंट्रोल आप खो देंगे, और इसमें कोई ब्रश नहीं है। साइड इफेक्ट, ये महंगा बहुत होता है, बेनिफिट चलता बहुत लंबा है, सिर्फ आपका कभी कभार ये होता है कि जो स्पिनिंग डायोड है वो उड़ जाता है कभी कभार। तो ये हुआ ब्रशलेस सिस्टम, और इसी सिस्टम को उल्टा कर दीजिएगा तो इसी को कहा जाएगा मैग्नेटलेस मोटर, जो कंपनी ने क्लेम कराया। मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि ये एग्जैक्टली डिक्टो यही चीज़ है, बस उन्होंने ज्योमेट्री थोड़ी सी बदल दी थी। तो ये हुआ आपका ब्रशलेस अल्टरनेटर। ये जनरली आपको सस्ते में नहीं मिलने वाला, ये आपको मिलेगा करीब 5 किलो वोल्ट से ऊपर वाले में ही मिलेगा, यानी 5 KVA के ऊपर वाले जनरेटर में मिलेगा, 15 से 50 में मिल जाएगा। लेकिन बहुत ऊपर अगर आप जाने लगे, यानी मेगावाट में जाने लगे, तब ये आना कम हो जाता है, खत्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। अब बात करते हैं पावर प्लांट के लेवल पे, तो पावर प्लांट के लेवल में भी वही सिस्टम रहता है। मुझे भी नहीं समझ आता कि भाई उसमें ब्रश क्यों नहीं, मतलब ब्रशलेस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब पावर प्लांट वाले जो होते हैं सब में ब्रश रहता है। और जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो बेस्ट मुझे मिल रहा है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता एग्जैक्ट इसी कारण से, लेकिन मेन ये है कि आप इंडक्टिवली एनर्जी डाल रहे हो, और अगर आपका जनरेटर 100 मेगावाट का है, 400 मेगावाट का है, 600 मेगावाट है, उसका 1-2% एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और आप कहेंगे कोर में तो उतनी एनर्जी नहीं जाती, बात एकदम सही है, लेकिन जा तो रहा है, मतलब 1-2% आपको एक्साइटर एनर्जी जैसे कहा जाता है वो तो डालना पड़ रहा है, और वो कई मेगावाट में है। तो कई मेगावाट में आपका अगर 1-2% लॉस हो रहा है तो वो काफी होता है। तो इसी कारण से पहला तो वो इंडक्टिव लॉस है, दूसरा ब्रिज, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डाला जा रहा है, डायोड ब्रिज जो है,
वो भी तो लॉस कर रहा है, वो भी एक रजिस्टर के तौर पे बिहेव करता है। तो दोनों का मिला के हमको लगता है कि लॉस जो है, ये मेरा असम्पशन है कि लॉस जो है परसेंटेज ज़्यादा आता होगा कंपेयर टू ब्रश। सीधा सीधा ब्रश डाल दो स्लिप रिंग डाल के, तो हर जनरेटर में आपको एक अलग यूनिट रहेगा जिसमें स्लिप रिंग रहता है, तो स्लिप रिंग से ही कोर को एनर्जाइज किया जाता है। तो और ये बात ज़रूर समझिए कि जब आप 100 मेगावाट के बारे में बात करने लग रहे हैं तो आपको तार नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब शुद्ध रॉड होता है, मतलब सीधा सीधा रॉड ये सब में इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ कुछ केसेस में रॉड जो रहते हैं वो हॉलो रहते हैं, हॉलो कॉपर रॉड रहता है। मतलब हॉलो क्यों है? हॉलो इसलिए है कि उसके अंदर पानी डाला जाए ताकि ठंडा रह सके, क्योंकि इस एनर्जी डेंसिटी पे, यानी कि इतने छोटे से यूनिट में, छोटा हाँ बात कर रहा हूँ, एक मतलब समझिए बड़े बस के साइज का होता है, लेकिन तभी वो छोटा है, उसमें 100 मेगावाट निकल रहा है। मतलब कोल पावर प्लांट में रहता है या न्यूक्लियर पावर प्लांट में रहता है, 100 100 मेगावाट के जनरेटर आते हैं, और कुछ कुछ तो उससे भी ज़्यादा जा रहे हैं, 600 मेगावाट तक छूने लग रहे हैं। तो वो सब समझिए बहुत छोटा है जगह से निकाला जा रहा है उतना एनर्जी, तो उसका 1% लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए उसको ठंडा करने के लिए स्टेटर जो है, स्टेटर पे पूरा लिक्विड कूलिंग की जाती है ताकि वो ठंडा रह सके और उसको पूरा वाटर से ही ठंडा करें, क्योंकि और कोई सिस्टम नहीं है जो उतनी एनर्जी बर्दाश्त कर सके। फिर कोर जो है, कोर में भी आप इलेक्ट्रिकल डाल रहे, कोर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तौर पर बिहेव कर रहा है, तो कोर भी गर्म होता होगा। हाँ, तो बहुत गर्म होता है, 600 मेगावाट वाले में तो भूंज जाएगा, तो पिघल क्यों नहीं रहा है? बात यह है कि इसको हाइड्रोजन से ठंडा किया जाता है। बोलेंगे एक मिनट, हाइड्रोजन से? हाँ, हाइड्रोजन का सबसे बड़ा बात यह समझिए कि वो लो मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि सबसे लाइटेस्ट है पीरियोडिक टेबल में, मतलब वो भिड़ता बहुत जल्दी है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर देखते हैं, कोई ये हीटिंग एलिमेंट है उस पर भिड़ा निकला, तो हाइड्रोजन बहुत एनर्जी लेकर निकलता है, और बाकी हैवी एलिमेंट है वो अपना इनर्शिया से ये करता है, रेजिस्ट करता है। इसलिए देखिए रॉकेट इंजन में भी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आपको वेलोसिटी देता है, तो सेम वही है, सील कर दिया जाता है और उसके अंदर अराउंड कहिए 2 बार या 3 बार, यानी अराउंड 12 मल्टीप्लाई कर दिया बाय 15, उतना PSI का ये डाला जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये होता है कि बहुत ये करता है वाइब्रेटिंग गैस है, और फिर ये रोटर जो है, रोटर घूम रहा है अपना, हाइड्रोजन यहाँ पर मतलब टर्बाइन लगा रहेगा जो उसको फ्लश करेगा, और इसीलिए देखिए इसमें कई सारे छेद रहते हैं, और हाइड्रोजन इससे गर्मी निकालता रहेगा, और अगल बगल मतलब अंदर ही, मतलब ये जो चेंबर है, चेंबर के अंदर ही 4 ठो रेडिएटर रहते हैं जिसमें पानी डाल के ठंडा किया जाता है। तो हाइड्रोजन कोर का गर्मी रेडिएटर तक ट्रांसफर करने का काम करता है। और आप बोलेंगे कि आग लगने का खतरा है? हाँ है, मतलब 2 3 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है कि हाइड्रोजन लीक कर गया, बूम हो गया, तो लेकिन इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब बेस्ट मैं सोच सकता हूँ कि हीलियम इस्तेमाल कर, लेकिन बात है कि हीलियम बहुत महंगा होता है और पावर प्लांट है, उसको चलते रहना 24x7x365 उनको चलते रहना, तो हाइड्रोजन ही, और प्लस हाइड्रोजन बेटर है, सिर्फ एक साइड इफेक्ट है कि वो लीक किया तो बूम हो सकता है और मेटल उसको उतना पसंद है नहीं, लेकिन यही करके पावर प्लांट चलाया जाता है। तो पावर प्लांट का जनरेटर जो है आपको 2 कंट्रोल देता है, पहला RPM जो है, RPM कंट्रोल किया जाता है कि अगर आप देखेंगे ना कि पावर प्लांट को कैसे पता चला कि आप बिजली खा रहे हो कि घट नहीं खा रहे हो, पावर प्लांट देखता है कि उसका रोटर जो है किस स्पीड पर घूम रहा है। जैसे अब डिपेंड करता है 2 पोल का है कि 4 पोल का है, तो 2 पोल वाला होगा तो RPM ज़्यादा होगा, अराउंड 3,000 होगा इंडिया के केस में कह रहा हूँ, 4 पोल का होगा तो RPM 1500 होगा। तो मान लीजिए वो देख रहा है 1500 RPM है, अब देख रहा है आपने लोड घटा दिया, आपने मान लीजिए AC बंद कर दिया, वो देखा RPM बढ़ने लग जाएगा, तुरंत गवर्नेटर यानी स्टीम का जो वाल्व है वो बोलेगा भैया RPM बढ़ रहा है, ठंडा कर लो, मतलब गवर्नर स्टीम को रोकना शुरू कर देगा, RPM लेवल पे आ जाएगा। तो ऐसे करके ये लोग हर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, और इसी से ग्रिड को पूरा स्टेबल रखा जाता है, हर समय जब भी कोई स्विच ऑन ऑफ ऑफ हो रहा है ये ट्रांसलेट हो रहा है, ये सब कई 100 टन का सामान का RPM थोड़ा सा बढ़ने और थोड़ा घटने लग रहा है। तो बोलेंगे ये सब स्टेबल नहीं होता? नहीं, बहुत स्टेबल होता है, कारण ये कि कई 100 टन तक आता है ना ये सब चीज़, क्योंकि आप तो देख रहे हो सिर्फ एक हिस्सा, बात है कि ये हिस्सा कनेक्टेड है स्टीम, इससे क्या बोलते हैं स्टीम टरबाइन से, स्टीम टरबाइन भी कई 100 टन का होता है, तो कई 100 टन का जो मास है वो तुरंत RPM उसका चेंज नहीं होने वाला, मतलब आप गीगावाट का भी झटका मार दीजिए वो नहीं चेंज होगा तुरंत, क्योंकि इनर्शिया अलाउ नहीं करता इस तरह का चीज़ को। तो वो उतना देर में कंप्यूटर डिटेक्ट करता है स्टीम का, या तो कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा, मान लीजिए लोड सब लोग बढ़ा रहे हैं तो उसी टाइम का इस्तेमाल करके ये कर लिया जाएगा। अब फिर दूसरा बात होता है कि वोल्टेज सैग होने लगेगा, अगर ठीक है आपने फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर लिया 50 हर्ट्ज से एकदम 50 रखे हुए हैं, शुरू शुरू में आता था 50 से 1-2 हर्ट्ज आगे पीछे हो जाता था, 51 हर्ट्स, 49 हर्ट्स, आज के टाइम में 50 हर्ट्स है तो मतलब 50 हर्ट्स है, 50 हर्ट्स 0.001 उसके आगे पीछे चेंज होते रहते हैं, तभी मतलब बहुत अच्छा हम लोग का रेगुलेशन हो गया आजकल। लेकिन फिर बात होता है वोल्टेज सैक का क्या करेंगे, तो कोर का पावर बढ़ा दिया जाता है कि अगर वोल्टेज सैक कर रहा है कोर का पावर बढ़ा दो, अब वोल्टेज राइज करने लग रहा है तो इसका यहाँ पे करो, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर स्मूथ नहीं होता है, ट्रांसफार्मर जो ऑन लोड टैप चेंजर होता है वो उतना स्मूथ चेंजिंग नहीं देता है, ये स्मूथली देता है, आपको आराम से भाई ठंडा करो, और ज़बरदस्ती आप लोड क्यों बनाना चाहोगे? मतलब मान लीजिए आप ओवर वोल्टेज कर रहे हैं, आप क्यों चाहेंगे कि, क्योंकि ओवर वोल्ट आप यहाँ कर रहे हैं तो कई 100 KV में है, और फिर जो बड़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जाए वो कई 100 KV में कर डालेगा, तो मतलब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं 2000 KV का ये सिस्टम है, और फिर 4000 KV का सिस्टम हो जाएगा, 50,000 KV का, मतलब बढ़ते जाएगा वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है।
तो इसी कारण से यहीं पे ठंडा कर दिया जाता है भाई, जरूर अगर जरूरत नहीं है वोल्टेज मत पैदा करो, और आरपीएम घट रहा है स्टीम का टर्बाइन बढ़ा दिया जाओ, और आरपीएम अगर बहुत घटने लगा तो ग्रिड बंद हो सकता है। क्योंकि ये बताए ये सारे जनरेटर यानी कि जितने पावर प्लांट हैं इंडिया में, नेशनल ग्रिड में जितने चीज होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और यही हमारे ग्रिड को बचा के रखा हुआ है। किसी कारण से अगर एक को ये हुआ डिफेक्ट हो गया या किसी कारण से ये नहीं घूम पा रहा है, तुरंत सर्किट ब्रेकर को डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि अगर ये ओवरलोडिंग कर रहा है, सिंक्रनस जनरेटर है और इसमें इतना हॉर्स पावर है कि कई सारे सब स्टेशन को अपना समझ के उड़ा डालेगा। तो यही है पावर प्लांट का सिस्टम, समझिए बहुत अलग लेवल की इंजीनियरिंग है। और अगर आप देखना चाहते हैं एग्जैक्टली ये सब कैसे बनता है, नीचे मैंने एनिमेशन दिया है एग्जैक्ट पावर प्लांट जनरेटर का, किसी का वीडियो एनिमेशन नहीं, वो मतलब सर्विस सेंटर के लिए दिया जाता है, मतलब जो लोग इनका काम होता है सर्विसिंग करना ये सब जनरेटर का, 10 10 साल बाद उनका मतलब वीडियो मुझे मिल गया था, मैंने नीचे दे दिया, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो वही समझिए कि ये अलग लेवल की इंजीनियरिंग है और इसी से हमारी दुनिया चलती है। आराम से आप ध्यान दीजिए कि 2 पोल है तो 3000 RPM होगा, 4 पोल है तो वो देखिए, और आपको टाइप कीजिए पोल टू RPM, आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं विकिपीडिया वाला ग्राफ मिल जाएगा, आप आराम से देख लीजिए कितना RPM पे कितना आपको फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पावर प्लांट के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, मैं कहूँगा डिसलाइक कीजिए, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे अच्छा लगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।